भले ही गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया के ही सर्वे बता रहे हैं कि इस बार गुजरात में बड़ा खेल होने वाला है। जी हां, न्यूज 24 का एक ओपिनियन पोल सामने आया है जिसमें जनता की राय ली गई है और इस राय के मुताबिक कांग्रेस पार्टी गुजरात में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने जा रही है, जबकि वही आम आदमी पार्टी गुजरात में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल ईरम। गुजरात चुनाव में क्या एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने में सफल हो जाएगी या फिर पिछली बार की गलतियों से सीखते हुए कांग्रेस उस जादुई आंकड़े को छू लेगी जो सरकार बनाने के लिए चाहिए, या फिर गुजरात में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वो करिश्मा कर जाएगी जो उन्होंने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है। भाई, ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जुबान पर हैं और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर गुजरात में किसकी सरकार बनेगी। तो इन सारे सवाल का जवाब देने के लिए एक ऑनलाइन ओपिनियन पोल सामने आया है और ये पोल बिल्कुल सच्चा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लोगों की राय ली गई है। ऐसा नहीं है आज तक और एबीपी न्यूज की तरह कोई फर्जी सर्वे किया गया हो और जिसमें लोगों को यह संदेह रहता है कि इसमें आम लोगों की राय ली गई है या नहीं। लेकिन आज जो हम ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं वो टीवी चैनलों में बैठकर फर्जी सर्वे दिखाने वाले पत्रकारों का एंटीना खड़ा कर देगा, क्योंकि इसमें उन गोदीजीवियों की पोल खुल जाएगी जो बेरोजगारी और महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताने के बाद भी डंके की चोट पर अपने स्टूडियो में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। तो गुजरात चुनाव को लेकर न्यूज 24 ने एक सर्वे कराया है और लोगों से पूछा है कि अब की बार गुजरात में किसकी सरकार। न्यूज 24 ये भी गोदी चैनल माना जाता है, यहाँ संदीप चौधरी को छोड़ दें तो कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो सरकार से सवाल पूछता हो, आम लोगों का मुद्दा उठाता हो। और यही वजह है न्यूज 24 के कई पत्रकार अपनी गोदी गिरी की वजह से विपक्ष के प्रवक्ताओं के निशाने पर रहते हैं। और उसी चैनल ने गुजरात चुनाव पर सर्वे किया है और ऐसा ऑनलाइन सर्वे करना ज्यादातर गोदी मीडिया ने छोड़ दिया है, क्योंकि जैसे ही उस सर्वे में भाजपा पिछड़ती है तो चैनल वालों को वो सर्वे डिलीट करके भागना पड़ता है। तो न्यूज 24 ने अपने सर्वे में पूछा कि अब की बार गुजरात में किसकी सरकार, और इस सर्वे में सबसे पहले भाजपा को ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और आखिरी ऑप्शन त्रिशंकु विधानसभा मतलब हंग असेंबली है। तो इस सर्वे में भाजपा को 28% जबकि कांग्रेस को 37% और वही आम आदमी पार्टी को 29% लोगों का साथ मिल रहा है, जबकि सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि गुजरात में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगी। इस सर्वे में 97,220 लोगों ने हिस्सा लिया है और लोगों ने माना है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, जबकि दूसरे तीसरे नंबर के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जी हाँ, इस सर्वे के आंकड़े यकीनन चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया के सर्वे में भाजपा की सरकार बनाई जा रही थी उन सर्वे की पोल खोलता है न्यूज 24 का ये आंकड़ा। इस आंकड़े की माने तो कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाने जा रही है और गुजरात में मोदी और शाह का करिश्मा खत्म होता नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार गुजरात में चुनावी सभा कर रहे हैं, लोगों से शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ फ्री बिजली के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और केजरीवाल के रैलियों का नतीजा इस सर्वे में साफ दिख रहा है कि वो भाजपा से आगे निकलती नजर आ रही है। वो भाजपा जिसकी गुजरात में सरकार है लेकिन फिर भी 29% लोग अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, जबकि भाजपा को 28% लोग पसंद कर रहे हैं और बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनती नजर आ रही है, अगर ये ओपिनियन पोल सच साबित हो गया तो। हम बार बार आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यह ओपिनियन पोल है जिसमें लोगों की राय ली गई है, अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तब जनता क्या मूड बनाती है, किस मुद्दे पर वोट करती है और उसके बाद जो एग्जिट पोल आएगा उससे स्थिति काफी ज्यादा स्पष्ट होगी। लेकिन ओपिनियन पोल ये बताता है कि आने वाले दिनों में गुजरात में क्या होने वाला है, लोगों ने चुनाव से पहले क्या मूड बना रखा है। तो इस ओपिनियन पोल से यह साफ है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी लोगों की पहली पसंद बन गई है। अब आइए जरा गोदी मीडिया के फर्जी सर्वे की पोल खोलते हैं। गोदी का एक चैनल है एबीपी न्यूज जो हर हफ्ते एक सर्वे लेकर बैठ जाता है और हम ये दावे से कह सकते हैं कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास गोदी मीडिया सर्वे करने पहुंचती होगी। पता नहीं ये कहां से ऐसे आंकड़े लेकर आ जाते हैं।
दरअसल एबीपी की रूबिका ने अपने चैनल पर हिमाचल प्रदेश का ओपिनियन पोल बताते हुए दिखाया कि हिमाचल में 49% लोगों के लिए बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम है। मतलब ये कि हिमाचल की आधी आबादी के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब उसी एबीपी न्यूज ने हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी ये सवाल पूछा तो बताया कि 68 सीटों वाली हिमाचल प्रदेश में भाजपा 38 से 40 सीटें जीतेगी। ऐसे में ये सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि जिस राज्य की आधी आबादी के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हो उस राज्य की जनता उसी सरकार को दोबारा क्यों चुनेगी। तो गुजरात की ओपिनियन पोल और हिमाचल पर एबीपी के फर्जी सर्वे पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।